Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everybody, this is Mohit and welcome to the test book. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone, guys? Is audibility absolutely fine? Good afternoon, Deepak. Good afternoon, Keshav. Good morning, Habib. Good afternoon, Roshan. Good afternoon, Divya. Good afternoon, Shalu. Good afternoon, Trupti. Hello, Anurag. Good afternoon, Gautam. Good afternoon, Mohit. Good afternoon, Zayal. चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया. अभी उठाऊं, ससमल बोलते हैं, अभी उठाऊं. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलिए गाइस. सो एज यू ऑल नो दैट आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है शिराज मोटर एंड रिपल्शन मोटर. ठीक है, शिराज मोटर एंड रिपल्शन मोटर. अब आपके मन में डाउट आएगा, सर व्हाट इज शिराज मोटर, व्हाट इज रिपल्शन मोटर, सर ये क्या चीज है? ठीक है, आई एम न्यू स्टूडेंट. ओके रवि, नो इश्यू एट ऑल. चलिए, सो बेटा मैं आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा कुछ आइडिया दे देता हूँ कि सर ये जो क्लास है ना, इस क्लास के अंदर आप क्या पढ़ाने वाले हो और इसके जैसी जो क्लासेस हैं वो पहले कैसी हुई हैं, है ना? तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. ठीक है बेटा, मंडे को अभी जो मंडे आया था, आज तो सैटरडे हो चुका है आई थिंक, है ना? तो बेटा मंडे से हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करी थी आने वाले संडे के लिए. ठीक है, मंडे से बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करी थी हमने आने वाले संडे के लिए. और मंडे से संडे तक मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वादा करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके आया हूँ. और जिस सीरीज का नाम है SSC JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट सीरीज. इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पिकअप किया था जो कि हर JEE के एग्जाम में आता है, जिसका नाम है स्पेशल मशीन. तो ये जो हमारा इवेंट था, है ना, ये जो हमारा इवेंट था, इस इवेंट के अंदर हम लोगों ने मंडे से स्टार्ट किया था, है ना रवि? सबके लिए एक क्लास बेटा, सारे JEE एग्जाम्स के लिए क्लास है. ठीक है, हमने एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट स्टार्ट किया था मंडे से. सुन लो मेरी पूरी बात, समझ में आ जाएगा. हमने मंडे से एक इवेंट स्टार्ट किया था. तो बेटा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तीन दिन हम लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को पढ़ा. आफ्टर दैट, तीन दिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को पढ़ने के बाद, थर्सडे के दिन हम लोगों ने यूनिवर्सल और शेडेड पोल मोटर की इन्फॉर्मेशन देखी. आफ्टर दैट बेटा फ्राइडे तक कल हम लोगों ने रिलक्टेंस और हिस्टेरेसिस मोटर, मतलब सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को हम लोगों ने देखने की कोशिश करी, है ना? ये दोनों हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस, मोटर होती है. ठीक है, ये दोनों मोटर हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है. और गाइस अब हमारे पास कुछ और मोटर्स बची हुई थी जो थोड़ी सी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट होती है. मतलब अगर आपके एग्जाम में बेटा 5 या 6 नंबर, नहीं सिविल वालों के लिए नहीं है बेटा, मगर मतलब अगर आपके एग्जाम में बेटा 5 या 6 नंबर का स्पेशल मशीन आता है तो उसमें से 2 या 3 नंबर का सिर्फ इंडक्शन मोटर होता है. एक आध नंबर की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल और शेडेड पोल से आता है, एक आध नंबर रिलक्टेंस और हिस्टेरेसिस से आता है. बट शिराज, रिलक्टेंस, सर्वो न्यूमेटिक और स्टेपर, है ना, इनसे थोड़ा सा कम आता है. मतलब इन सारी मोटरों से एक आध क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सर ये हमारा पूरा एक इवेंट था जो डेली मैं आप लोगों को 12 बजे यहाँ पे मिलता हूँ. ठीक है, आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा शिराज और रिपल्शन मोटर के. अब बात आती सर इसका मतलब, मकसद क्या था. इसका मकसद ये था बेटा कि एक तो बच्चा बहुत एप्लीकेशंस में कंफ्यूज होता है, तो वो एप्लीकेशंस आपकी क्लियर हो जाए. ठीक है, तो आपकी धीरे धीरे एप्लीकेशंस क्लियर होती जा रही है, प्लस आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हो. तो गाइज ये पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दूंगा. और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए रात को डेली 9:30 PM पर
जो टॉपिक दिन में 12 बजे पढ़ाता हूँ उसी टॉपिक की एक क्विज होती है, बट ये जो क्विज होती है हमारी यहाँ पे नहीं होती, क्विज जो हमारी होती है ये मास्टर क्लास के अंदर होती है। मास्टर क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं, है ना, मास्टर क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मास्टर क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं, तो बेटा मास्टर क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं उसकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। मास्टर क्लास जो होती है वो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पे चलती है। मास्टर क्लास जो होती है, अब यहाँ पे आपकी डेली बेटा क्विज होती है और हर दिन एक क्विज का विनर होता है। अभी तक हम लोग टोटल 4 विनर देख चुके हैं। पांचवा विनर जो होगा उसको मैं आज डिक्लेयर भी करूंगा शाम वाली क्लास में। जो लास्ट क्लास का विनर था वो था अबोध कुमार, ठीक है, अबोध को मैंने कल लास्ट क्लास में भी बोला था, अबोध कुमार हमारे लास्ट क्लास के विनर थे, है ना। और जो कल की क्लास थी उसके विनर आज मैं रात को डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। ये क्विज का बेटा जो विनर होता है उसको 8000 रुपीस की स्कॉलरशिप मिलती है। अब बात करते हैं सर ये 8000 की जो स्कॉलरशिप है ये क्या काम आएगी उसको, है ना। तो बेटा एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च हुआ है टेक्स्ट बुक पर जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल जेई लाइव कोचिंग बैच 3। इलेक्ट्रिकल कोचिंग लाइव कोचिंग बैच 3 का मतलब ये है, ये बैच बेटा 29 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, 29 नवंबर से 31 मार्च तक चलेगा। 1 ईयर इस कोर्स की वैलिडिटी है। राइट नाउ द कॉस्ट ऑफ दिस बैच इज 799 रुपीज। तो जो भी स्टूडेंट्स विनर होते हैं बेटा वो इस बैच को पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। बट मान लीजिए सपोज कोई विनर नहीं बन पाता, बहुत बच्चे डेली, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट डेली क्विज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर नहीं बन पाते तो अभी 29 नवंबर के पहले इसी बैच की जो कॉस्ट है उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंटेड है, दैट इज तो वो अभी आपको 499 रुपीज की है। उसमें भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मैं और कम करना चाहता हूं तो बेटा वो इस पर्टिकुलर कोड को यूज कर सकते हैं मोहित के, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और यही कॉस्ट आप लोगों की बेटा 4000 की हो जाती है, ठीक है। नाउ द थिंग इज सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बैच। बेटा ये बैच अभी ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, पहले दो बैच खत्म हो चुके हैं जहां से हमको नंबर ऑफ रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं और अभी रिजल्ट्स आने वाले भी हैं बच्चों के, क्योंकि आरबीएनएल का एग्जाम भी होगा, डीएफसीसीएल का रिजल्ट भी नहीं आया है ना, तो काफी सारे एग्जाम्स के रिजल्ट अभी आने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज गाइस, इस बैच के अंदर 160 प्लस लाइव क्लासेस होती हैं, ये बैच कंप्लीटली जेई के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 70 प्लस टेस्ट आपको मिलते हैं, 45 प्लस आपको पीडीएफ नोट्स मिलती हैं इस बैच के अंदर। तो ये बैच बहुत ही अच्छा है यार, यू हैव टू ज्वाइन इट, ठीक है। चलिए नाउ तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अब कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा बस। नाउ हबीब पूछ रहे हैं सर क्या आज थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा। नहीं हबीब, आज नहीं होगा, कल होगा बेटा। कल मैं आप लोगों को स्टेपर मोटर, न्यूमेटिक मोटर और सर्वो मोटर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिराज मोटर, देखो ये जो मोटर होती है थोड़ी सी विचित्र टाइप की मोटर है ना बेटा, थोड़ी सी विचित्र टाइप की मोटर है, ठीक है। और बेटा रात को डेली हम लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और बेटा 10 क्वेश्चन अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे 7 दिन में 70 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मशीन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि अपने आप में आप लोग के लिए काफी ज्यादा है। वही क्वेश्चन बार बार बेटा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और करने की जरूरत नहीं है, कोई बेटा किंग रेंजर एनएचपीसी की डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, जहां तक मुझे लगता है एनएचपीसी का जो एग्जाम होगा वो फरवरी के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो यार एक मस्त सेशन को लाइक कर दो सबसे पहले, तो यार सेशन को सभी लोग लाइक कर दें, है ना, तो सेशन को बढ़िया एकदम एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। मस्त सेशन को लाइक कर दो यार, सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स बताता हूं मैं आपको सिराज मोटर के बारे में, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो गाइस सिराज मोटर के बारे में बताता हूं, ये एकमात्र ऐसी मोटर है ना जिसको बोला जाता है इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। इट इज मेनली अ देखो चाहता तो मैं आप लोगों को एक दिन में पूरा स्पेशल मशीन पढ़ा सकता था, बिकॉज स्पेशल मशीन कोई बहुत बड़ा सब टॉपिक नहीं है, है ना। बट द थिंग इज कि मैं चाहता था कि नहीं यार रोज थोड़ी थोड़ी मोटर पढ़ेंगे, क्लैरिटी रहेगी और क्विज भी उस फॉर्म में कर पाएंगे, इसीलिए मैंने ये इवेंट स्टार्ट किया। चलिए इट इज मेनली अ इंडक्शन मोटर, ये आपकी अपने आप में बेटा एक इंडक्शन मोटर है, मतलब कुल मिला के सिंक्रोनस पे काम नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा बेटा इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इट इज अ इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर,
इट इज मेनली अ इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। तो अगर एग्जाम में पूछे इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर कौन सी होती है, तो आप लोगों को बोलना है, आप लोगों को बोलना है सिराज मोटर हमारी इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर होती है। सिराज मोटर बेटा हमारी इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर होती है। थर्ड वन इज, इस मोटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, जो रोटर होता है एग्जाम में पूछता है वो किस टाइप का होता है, रोटर जो एग्जाम में पूछता है वो किस टाइप का होता है ना। तो बेटा इस मोटर का जो रोटर होता है वो वाउंड रोटर टाइप का होता है, मतलब जिसके अंदर ब्रशेस और स्लिप रिंग होंगी, है ना। तो रोटर ऑफ दिस मोटर, रोटर इज ऑफ वाउंड रोटर टाइप, रोटर इज ऑफ वाउंड रोटर टाइप, वाउंड रोटर टाइप, है ना, मतलब दैट इज इस मशीन के पास स्लिप रिंग्स भी हैं और ब्रशेस भी हैं, तभी ये वाउंड रोटर टाइप का है, ठीक है, स्क्वायरल केज नहीं होता। मोस्टली इंडक्शन मोटर्स स्क्वायरल केज होती है, बट सिराज मोटर एक ऐसी मोटर है जो आपकी स्क्वायरल केज नहीं होती है। दूसरा गाइस, इस मोटर की खासियत है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इंडक्शन मोटर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है स्लिप का, चाहे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हो चाहे थ्री फेस इंडक्शन मोटर हो। बट बेटा ये एक ऐसी मोटर है जो आपकी पॉजिटिव स्लिप पे भी काम कर लेती है, नेगेटिव पे भी कर लेती है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से बिलो पे भी वर्क कर सकती है, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा पे भी वर्क कर लेती है, और कभी कभार सिंक्रोनस स्पीड से भी घूम जाती है, कभी कभार, वो डिपेंड करता है कि हमको ऐसा क्या करना पड़ रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि सिंक्रोनस स्पीड पे घूम जाए, ठीक है। तो चलिए, तो मैं लिखता हूं, इट कैन वर्क ऑन, इट कैन वर्क ऑन एनआर, इसकी जो स्पीड है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड हो सकती है, एनआर की वैल्यू ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड हो सकती है, और एनआर की वैल्यू इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड हो सकती है, ठीक है। दैट इज इट कैन वर्क ऑन पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड ऑल्सो जीरो स्लिप, मतलब बेटा ये एक ऐसी मोटर है जो आपकी पॉजिटिव है ना। हाँ बेटू, अंजीत करा दिया मैंने, कंट्रोल सिस्टम का मैराथन मैंने करवा दिया, इसी मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल मिलेगा, इसी चैनल पे अवेलेबल है, मैंने मैराथन एक महीने पहले करवाया था, ठीक है, एक महीने पहले करवाया था। तो गाइज, इट वर्क्स ऑन पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो स्लिप, याद रखना, है ना। फिफ्थ गाइज, जिस समय पे ये है ना, इसी मोटर के अगर मैं बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी मोटर है जो आपकी यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करती है ना। दिस मोटर इज वर्क्स ऑन यूनिटी पावर फैक्टर, दिस मोटर इज वर्क ऑन यूनिटी पावर फैक्टर। तो सोचो यार, एक चीज तो बहुत अच्छी हो गई कि यूनिटी पावर फैक्टर पे भी वर्क करती है। और अगर मैं बात करूं बेटा इस मोटर के बारे में, तो एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ये एकमात्र ऐसी मोटर है जिसके अंदर एक वाइंडिंग नहीं होती, तीन वाइंडिंग होती है, दो सप्लाई के लिए और एक रोटर के लिए, दो सप्लाई के लिए और एक रोटर के लिए। तो मैं लिखता हूं यहां पे, है ना, मैं लिखता हूं, ओनली मोटर विच हैव थ्री वाइंडिंग, विच हैव थ्री वाइंडिंग्स। आज आप लोग का मैराथन सेशन भी है बेटा 3 बजे, और ऐसा मैराथन सेशन होने वाला है आज 3 बजे कि एकदम जिंदगी में मचा देंगे। 3 बजे से 6 बजे तक के बीच में जिंदगी में आपको ऐसा बाइपोलर ट्रांजिस्टर पढ़ा दूंगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ा दूंगा कि लाइफ में आपने इतना बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा था। आपने सिर्फ और सिर्फ इतना ही सीखा होगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में कि ये कॉमन एमिटर कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर, किसका गेन ज्यादा किसका ये, कौन अल्फा बीटा गामा। बट एक्चुअल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर वर्ड क्या होता है, याद आपको समझ में आएगा। सर जो माइक्रोकंट्रोलर आपके मास्टर क्लास पे चल रहे हैं कैसे देखें, ऐप पे तो नहीं है बेटा फहद, है ना, नो हबीब, 1 is for rotor and 2 for stator। नहीं फहद बेटा, वो पुरानी क्लासेस तो आप देख नहीं सकते, बिकॉज मास्टर क्लास के रूल्स हैं कि मास्टर क्लास, है ना, जो आपकी मास्टर क्लास होती है वो सिर्फ लाइव ही देख सकते हो, ठीक है। आकाश बोल रहे सर आज 5 बजे क्लास नहीं होगा, आज 5 बजे क्लास नहीं होगा, बट क्योंकि 3 से 6 तो बेटा मैराथन सेशन चलेगा, तो एक हफ्ते में मैराथन सेशन करते हैं, कल फिर 5 से 6 वाली क्लास करेंगे, बल्कि संडे को जो 5 से 6 वाली क्लास है वो 2 घंटे की होगी, 5 से 7 हो जाएगी, तो वो कल कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिनव बिल्कुल। तो ओनली मोटर विच हैव थ्री वाइंडिंग्स, 2 for stator, एंड 1 for rotor।
टू फॉर स्टेटर एंड वन फॉर रोटर। मैं भी तो इंसान हूं ना यार, मैं भी तो इंसान हूं, एक एक दिन में एक दो घंटे का टाइम तो मुझे भी चाहिए होता है ना आराम करने के लिए। हाँ मैं भी तो इंसान हूं ना। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की चलेगी, मैं भी तो इंसान हूं ना, एक दो घंटे का तो टाइम चाहिए ना। अगर मान लो मेरी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए मान लो, तो वो शायद पूरा दिन इफेक्ट ना कर दे। मैं तो कभी ये सोचता हूँ कि वो आपका पूरा दिन इफेक्ट ना कर दे, इससे बेहतर है कि एक घंटा मैं कुछ कर लूं जिससे कि वो ना हो। ठीक है, तो इंसान यार आप लोग भी अगर ऐसे काम करोगे कभी है ना, तो चाहिए होता है बॉडी को एक एक समय के टाइम पर एक रेस्ट चाहिए होता है, एक समय के टाइम पर एक रेस्ट चाहिए ही होता है ना, एक चाहिए ही होता है। मैं डेली आपको भी 12 बजे से पढ़ाना चालू करता हूँ, रात को 10 बजे खत्म होता है। चलिए सो गाइस, ये पर्टिकुलर है ना ये पर्टिकुलर हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने सिराज मोटर के लिए लिख के रखे हैं। ठीक है, उसके बाद है ना, उसके बाद अगर हम बात करें फहद बेटा, उसके लिए मैराथन सेशन जो है, उसके लिए मैराथन सेशन या उसकी जो क्लासेस है वो मैं मास्टर क्लास में करवाऊंगा, मैंने पहले ही बोला है ना। आप बस टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहो, वो सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा है ना, वो सारी चीजें मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, सारी चीजें मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। बबीता बोल रही है सर वाई वीडियो क्वालिटी इज नॉट गुड। बबीता वीडियो क्वालिटी के लिए आपको आपकी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वीडियो क्वालिटी आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हाथ में आपका फोन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाउ आफ्टर सिराज मोटर, अगर मैं इसकी बात करूं एप्लीकेशंस की, तो आज जब मैं आप लोगों को क्विज कराऊंगा तब आपको एक्चुअली इसकी एप्लीकेशंस पता चलेगी, बट एग्जाम में कभी भी इसकी एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीजें नहीं पूछी गई। रोबोटिक्स वगैरह में यूज करते हैं इसको, एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीजें इतनी ज्यादा इसकी खास है नहीं, क्योंकि मेन इलेक्ट्रिकल में तो यूज ही नहीं करते इसको, है ना। तो मेन चीज क्या पूछी गई सर इसकी, अच्छा एक चीज और, लो रेटिंग की मोटर है, लो रेटिंग की मोटर है, बहुत कम रेटिंग होती है, लो रेटिंग की मोटर है ना। तो मेन इसके बारे में ना ऊटपटांग इसके पॉइंट्स पूछे गए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है बेटा ये वो यही वाला है, कौन सी मोटर स्पेशल ऐसी हुई है जिसका जो कि आपकी यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करती है। नाउ वी हैव टू कम विद रिपल्शन मोटर। अब यहां से हमने कुछ सीखा बेटा ये पॉइंट्स है ना, रिपल्शन मोटर के अब हम कुछ पॉइंट्स सीखेंगे, और साथ ही साथ में नेक्स्ट क्लास मतलब जब शाम को क्विज होगी तो क्विज के अंदर हम लोग इसी के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के थ्रू एप्लीकेशंस भी सीखेंगे आज। ठीक है, नाउ अगर मैं रिपल्शन मोटर की बात करूं तो ये मोटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर है जो पुराने जमाने में यूज होती थी, आज की डेट में इसको कहीं पर पे भी यूज नहीं करते, कहीं भी यूज नहीं करते। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर पुराने जमाने में कहां यूज करते थे, ट्रैक्शन में यूज करते थे, सोचो है ना। आपकी जो रिपल्शन मोटर होती है बेटा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं है ना, रिपल्शन मोटर के बारे में बताता हूं, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होती है, यही इसकी क्वालिटी है, स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई। आप बोलोगे सर कितनी वेरी हाई, तो बेटा इसकी स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है वो डीसी सीरीज मोटर के जैसी होती है, किसके जैसी होती है, डीसी सीरीज मोटर के जैसी। 480 पे भी क्वालिटी थोड़ा खराब है सर, क्वालिटी कैसे खराब हो सकता है यार, मेरी तरफ से तो क्वालिटी सही आ रही है एकदम, मतलब मैं भी तो देख रहा हूँ यार क्लास अपनी, ये देखो मेरी तरफ से सही क्वालिटी एकदम, एक मिनट को आई हैव टू चेक इट, डोंट वरी मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी आज ही खराब हो रही है, ऐसी रहती है, अच्छी आ रही है सर। हाँ एडवांस में जाके आप लोग सिलेक्ट कर लो हाई क्वालिटी पे, एडवांस में जाके आप लोग हाई क्वालिटी पे सिलेक्ट कर लीजिए, यही ऑप्शन है, नहीं 4K में देखने की जरूरत नहीं है। चलिए सही है, चलिए चलिए थोड़ा और मैं बड़ा भी लिखता हूं है ना। गाइज रिपल्शन मोटर की अगर मैं बात करूं, रिपल्शन मोटर की अगर मैं बात करूं ठीक है, तो रिपल्शन मोटर के बारे में मैं ये बोलूंगा है ना कि ये ऐसी मोटर है, स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई, स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई, ठीक है। अब आप बोलो सर कितनी, तो बेटा है ना सिमिलर लाइक किसके जैसी पता है आपको, सिमिलर लाइक डीसी सीरीज मोटर। और बेटा मैं आपको बताऊं, सिमिलर लाइक डीसी सीरीज मोटर मतलब इसकी टॉर्क भी प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, इसकी टॉर्क भी प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। तो एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया,
वो कौन सी स्पेशल मोटर है जो डीसी सीरीज मोटर की तरह स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर सकती है, वो कौन सी स्पेशल मोटर है जो डीसी सीरीज मोटर की तरह, है ना, डीसी सीरीज मोटर की तरह स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर सकती है, वो कौन सी मोटर है? तो बेटा एक ही मोटर है इसके जैसी, वो है आपकी डीसी सीरीज मोटर, है ना। डीसी सीरीज मोटर के जैसी स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका, रिपल्शन का, क्योंकि बेटा दोनों ही केस में है ना, दोनों ही केस के अंदर जो टॉर्क होती है और जो करंट होता है, उनके बीच में रिलेशन होता है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, दूसरा गाइस मैं इसके अंदर ये आपको बोलूंगा कि इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है, स्पीड रेगुलेशन ऑफ रिपल्शन मोटर इज वेरी गुड। स्पीड पूरे स्पेशल मशीन्स में आपको कोई ऐसी मशीन नहीं मिलेगी जिसकी स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है, ना सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कोई भी नहीं मिलेगा। आप कैपेसिटर भी लगा लोगे, है ना, तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगी, बट इतनी नहीं मिलेगी जितनी रिपल्शन और डीसी सीरीज में मिलती है। कोई सी भी मोटर हो, चाहे यूनिवर्सल मोटर हो, चाहे एनी मोटर हो, कहीं पे भी आपको स्टार्टिंग टॉर्क इतनी नहीं मिलती। और इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत ही बेटर है, स्पीड रेगुलेशन बेस्ट इज गुड एज कंपेयर टू अदर स्पेशल मोटर्स, Now the third one is, है ना, स्टार्टिंग करंट जो होता है इसके अंदर कम होता है। बहुत सारी मोटर्स ऐसी होती हैं बेटा जो इंडक्शन मोटर के टाइप की होती हैं, है ना। अच्छा, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, लिख देता हूँ, इट इज ऑल्सो अ इंडक्शन मोटर, मतलब ये भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करता, इट इज ऑल्सो अ इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब नाउ पावर फैक्टर होता है काफी कम होता है इस मोटर का अगर स्पीड काफी कम हो जाती है। तो मैं लिखता हूं यहां पे, इफ स्पीड इज वेरी लेस, पावर फैक्टर इज वेरी लो, पावर फैक्टर इज वेरी लो, अगर स्पीड कम है बेटा तो इसका पावर फैक्टर बहुत ही ज्यादा कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद याद रखना, है ना, अगर आपके पास लोड फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब एकदम से क्या हुआ, एकदम से अचानक से आपके पास लोड आ गया, जैसे मोटर चल रही है बढ़िया, मिल जाए इंटरटेनमेंट बेटा, ऑलरेडी पीडीएफ अपलोडेड है ना, और जो बची कुची है वो भी आज अपलोड हो जाएंगी। यस यस हबीब, बिल्कुल बिल्कुल मनी, इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्प्लिट फेस जैसा है, और इसकी जो सारी क्लास है बेटा, है ना इसकी जो सारी क्लास है, इसकी जो सारी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी। डोंट वरी, आप बिल्कुल पीडीएफ की चिंता मत करो, पीडीएफ में कभी भी वो नहीं करता हूं, सारी पीडीएफ हमेशा सेंड करता हूं, चिंता मत करो, ठीक है, मिल जाएंगे आपको, चिंता बिल्कुल मत करो। चलिए, आप बोलेंगे तो आपको कंबाइन करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नाउ अगर स्पीड मेरी वेरी लेस होती है और बेटा मेरा पावर फैक्टर बहुत कम होता है, तो इस मोटर के साथ एक बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, अगर कल को बेटा लोड में फ्लक्चुएशन हो, अचानक से सडन लोड में चेंज आ जाए, अचानक से आ जाए या चला जाए, तो भी ये उस लेवल पे टॉर्क डेवलप कर सकती है। जैसे मान लो मोटर चल रही है ना, और अगर अचानक से मोटर चलते चलते क्या हुआ, अचानक से लोड बढ़ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, टॉर्क ज्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, तो ये मोटर अपने आप ज्यादा टॉर्क डेवलप कर सकती है, इसमें इसको दिक्कत नहीं होती। सडनली लोड कम हो गया तो अपने आप टॉर्क रिड्यूस करनी पड़ेगी, मतलब सडन लोड फ्लक्चुएशन में भी ये टॉर्क डेवलप कर सकती है। दिस मोटर कैन डेवलप टॉर्क इवन इन सडन लोड फ्लक्चुएशन, ठीक है, सडन लोड फ्लक्चुएशन ऑल्सो। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज,
है ना, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है, कहाँ यूज करेंगे, है ना, कहाँ यूज करेंगे। अच्छा, काम तो ये लैगिंग पावर फैक्टर पे करेगा बेटा, याद रखना, ओनली वर्क्स ऑन लैगिंग पावर फैक्टर, ओनली वर्क्स ऑन लैगिंग पावर फैक्टर। अब पुराने जमाने में एप्लीकेशन जो इसकी, नाउअडेज इसकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं। नाउअडेज डीसी सीरीज मोटर ने इसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया था, है ना। नाउअडेज डीसी सीरीज मोटर ने रिप्लेस्ड इट, पुराने जमाने में यूज करते डीसी सीरीज मोटर रिप्लेस इट, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर ने ये जो जो कर सकता था वो सारी चीजें डीसी सीरीज मोटर ने थोड़ी सी और अच्छी थी। नाउअडेज डीसी सीरीज मोटर रिप्लेस इट, बट व्हेन इट इज यूज्ड, बट व्हेन इट वॉज यूज्ड, जब इसको यूज करते थे, देखो पहले रिपल्शन मोटर यूज किया करते थे, फिर इसको डीसी सीरीज मोटर रिप्लेस किया, बाद में सोचा यार डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए, कहां से लेके आएंगे, हमारा पावर सिस्टम पूरा एसी है, और अगर हमारा बेटा पूरा पावर सिस्टम एसी है तो हमको यार पहले तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी पे, है ना, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको डीसी पे, किसकी मदद से, रेक्टिफायर कन्वर्टर की मदद से फिर डीसी सीरीज मोटर चलाना पड़ेगा। बट अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, रिलक्टेंस मोटर में कुछ मॉडिफिकेशन करते करते वापस हम रिलक्टेंस मोटर के एडवांस वर्जन को यूज करने लग गए, रिलक्टेंस मोटर के एडवांस वर्जन को यूज करने लग गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बट व्हेन इट वाज यूज्ड, बेटा राहुल जीवन में तुमको अगर कोई 3 घंटे में पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज करा दे, एनालॉग करा दे, तो उस इंसान के मैं प्रणाम करता हूं, है ना, वो रिवाइज नहीं होता है, वो तब रिवीजन होता है जब बेटा तुमको एनालॉग में सब कुछ आता है, तुम बस तुम्हारे ना रिवीजन करने की तुम खुद से ना रिवाइज करते हुए। मैं आपको फिर बोलता हूं बेटा एक ही चीज, कुछ बच्चे सोचते हैं सर 2 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करा दो, 1 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करा दो, बेटा जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 80 घंटे लगते हैं क्या उसका रिवीजन करने में 2 घंटे लगाएंगे, जरा लॉजिकली सोचो, समझो बात को क्या बोल रहा हूं, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझो मेरी बात को। अगर मैंने कोई सब्जेक्ट आपको 80 घंटे में पढ़ाया है, आपको रिवाइज करने में बेटा उसको 5 घंटे लगेंगे, तो हाउ कैन अ टीचर कैन रिवाइज यू इन 2 आवर्स, समझो बात को। तो द थिंग इज कि ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर कभी मत जाया करो, है ना। देखो मैंने मैराथन सेशन लिया सिंक्रोनस मशीन का, क्या मैंने वहां पर यह लिखा कि मेरा जो मैराथन सेशन है वो पूरी मशीन का है, नहीं, मुझे पता पूरी मशीन रिवाइज कराना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने लिखा ट्रांसमिशन सिस्टम का, मैंने लिखा आज लिखा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में बोलता हूं कि जितना पढ़ाऊंगा उतना तुमने कभी सुना ही नहीं होगा। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं राहुल, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं तो ये बोलता हूं कि बेटा आप ऐसी चीजों से कभी भटकना मत। कोई अगर बोले कि 1 घंटे में आ जाओ पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिवाइज करा देते हैं, तो बोलना आप खुद कर लें वो ज्यादा अच्छा है, और ये कला हमें भी बता दें ताकि हम घर बैठ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिवाइज कर लें 1 घंटे के अंदर अंदर। सर गेट और आईएएस कोर्स लें पर जेई के कोर्स की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी, गेट और आईएएस की प्रिपरेशन अलग होती है, जेई की प्रिपरेशन अलग होती है, ठीक है। चलिए सो गाइस नाउअडेज डीसी सीरीज मोटर ने इसको रिप्लेस किया, बट व्हेन इट वाज यूज्ड, तो हम इसको कहां कहां यूज कर सकते थे गाइस वो मैं आपको बताता हूं, है ना। कहां कहां यूज कर सकते थे, सबसे पहले हम इसको फिल्म वाइंडिंग मशीन्स, जो आपकी फिल्म की वाइंडिंग होती है ना, कौन सी फिल्म, अरे जिस मैग्नेटिक टेप की बात कर रहा हूं, पुराने जमाने में रील बनती थी, रील कैमरे की रील, अभी उसके बाद तो डिजिटल कैमरे आ गए, उसके पहले एनालॉग कैमरे हुआ करते थे, देखते थे एक रील मिलती थी, पार्क में लोग खड़े रहते थे फोटो खींचने के लिए, एक रील मिलती थी, कैसेट्स के अंदर होती थी, है ना, तो फिल्म वाइंडिंग, उसको फिल्म बोलते हैं, तो वो जिस मशीन से बनता उसके अंदर इसको यूज करते थे, फिल्म वाइंडिंग मशीन, हॉइस्ट, क्रेन्स, ठीक है। इसके बाद लॉन्ड्री इक्विपमेंट, लॉन्ड्री के अंदर कुछ इक्विपमेंट अगर लगाने हो, और कहां यूज होगी गाइस, और कहां यूज होगी, है ना, माइनिंग टूल्स, माइनिंग, वैसे तो कोल माइंस के अंदर एक बहुत ही स्पेशल मोटर यूज होती है जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक मोटर, वो आपको अगली क्लास में बताऊंगा, बट फिर भी कुछ माइनिंग टूल्स के अंदर इसको यूज करते हैं, ठीक है। हाई स्पीड लिफ्ट, अगर हाई स्पीड की लिफ्ट चाहिए तो, चाहो तो पुराने जमाने की ट्रेन उठा के देखो, स्लीपर कोचेस के अंदर भी यूज किया था इसको एक बार, है ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शन,
ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी रिपल्शन मोटर हुआ करती थी, और आज की डेट में हम लोग ने बेटा इसको भी, आज की डेट में हम लोग ने वापस डीसी सीरीज मोटर करा के वापस रिपल्शन मोटर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और एडवांस रिपल्शन मोटर्स को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, एडवांस इंडक्टर मोटर को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। बिल्कुल हो जाएगा नवीन, हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए जितने आप लोगों को याद रखना है इन दोनों मोटर्स के बारे में, इन्हीं में से कोई एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसता है। अब इन्हीं मोटर्स के रिगार्डिंग बेटा 10 नंबर की क्विज मैं आज शाम को करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी। क्विज के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, और एक या दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको मैं सिखाने के लिए पढ़ाऊंगा, इनकी एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है ना, कल मिलेंगे अपन लोग तीन अपनी बची हुई मोटर्स के लिए, जिसका नाम है सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर और न्यूमेटिक मोटर, वो पूरा अपन लोग कंप्लीट कर चुके रहेंगे अपनी स्पेशल मशीन्स को। जितना स्पेशल मशीन पढ़ा है इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, दिस इज मच मोर देन सफिशिएंट, आपके एग्जाम के लिए काफी है। और 3 बजे बेटा आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मैराथन सेशन में जितने दिख रहे हो सबके सब मिलना, मचा देंगे आप, कसम से मानो मैं आपको वादा करता हूं, 3 घंटे बैठने के बाद या शुरुआत के 1 घंटे सुनने के बाद आपको एक चीज पता चल जाएगी कि आपने जीवन में बीजेटी के बारे में ऐसी चीजें सुनी ही नहीं थी। जितना आपने सुना था 8 घंटे में भी वो मेरे 1 घंटे के कंटेंट से भी कम रहेगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और मैं टेलीग्राम चैनल आपको बता देता हूं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो निखिल, है ना। इसका पावर फैक्टर तो लैगिंग रहेगा निखिल, 0.6-0.8 के आसपास इसका पावर फैक्टर तो लैगिंग रहेगा, 0.6-0.8 बोला था ना, अभी बताया था ना लैगिंग होता है। ठीक है, ये बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे थे, है ना, जो बच्चे बबली का कुछ डाउट है, क्या डाउट है सर, बीएसपीसीएल का टेस्ट सीरीज टेस्ट बुक पर नहीं है, बबली बीएसपीसीएल का अभी कुछ आएगा तो आ जाएगी टेस्ट सीरीज भी, कुछ आएगा तो टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, जनरल इंजीनियरिंग मतलब होता है अजय कुमार, जिसमें फिजिक्स थोड़ी सी केमिस्ट्री थोड़ी सी मैथमेटिक्स प्लस थोड़ी सी सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं जनरल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो बेटा इस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, ताकि है ना मोहित कासनी सर आप सर्च कर सकते हो, जो भी बच्चे नए हैं जो जुड़े नहीं हैं अभी तक, ताकि आपको मेरी क्लासेस की लिंक्स, पीडीएफ, डाउट डिस्कशन आपको करना हो या डायरेक्टली मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करना हो, ये सारी चीजें आप लोग मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहित कासनी सर टेक्स्टबुक, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, मिलते हैं मैराथन सेशन में 3 बजे शाम, थैंक यू वेरी मच। अभी रिक्कू जी इनका एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद आपके साथ ही कुणाल हमेशा, आप ही लोग के साथ मेरा आशीर्वाद है, चिंता मत करो, आराम से जाओ, मस्त मचा के आओ पेपर के अंदर।